हे गाइस एंड कैसे हो आप सब लोग, वेलकम टू न्यू गेमप्ले ऑफ माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक। और यस गाइस, अगर आपको याद है लास्ट वाले में भाई हम लोगों ने बनाया था अपना गोल्ड फार्म, ठीक है भाई। जहां तक का रास्ता हमने कुछ बना लिया है कुछ इस तरीके से, ये देखो ठीक है। ये मेरा आर्मर पूरा फिट चुका है और ये मेरी टूल्स, ठीक है, जिसमें कोई भी अच्छी अनचार्जमेंट नहीं है। ये देख रहे हो, यहाँ पे हमारा कुछ हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे हुआ करता था हमारा वीट फार्म, ठीक है, जो कि मैंने अभी निकाल दिया है, बिकॉज यहाँ पे हमें बनाना एक बहुत ही मस्त सा ट्रेडर हॉल, ठीक है। और यस भाई, मैंने ना एंड चेस्ट बना लिया। मैं गया था, ठीक है, मैं मजाक में खेलने आया था। मैं गया था नेदर में, ठीक है। मुझे ना एंशिएंट डेब्रीज मिले थे, ठीक है, मुझे एक तीन एंशिएंट डेब्री मिले थे और एक इंगट मिला था। तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक काम करते हैं, एक एंशिएंट डेब्री और ले ही आते, ठीक है, ताकि हमारे पास दो इंगट हो जाए। फिर मैं निकल लिया नेदर में, वहां पे मुझे मिल गए एक साथ तीन एंशिएंट डेब्री, ठीक है। फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, अब इसकी पूरी जोड़ी बना देते। तो यस, ऐसे कर करके ना मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, मैंने कितने एंशिएंट डेब्रीज इकट्ठा कर लिया। वैसे तो ये पूरा फास्ट फॉरवर्ड क्लिप है ना, वो पूरा एक मिनट का है, ठीक है, वो भी 10,000 एक्स के साथ, लेकिन मैंने इसको थोड़ा कट कर दिया, ठीक है, बिकॉज ये बहुत लंबा है। तब थोड़ा सा देख लो बस, ये देख लो 42, ठीक है। मतलब मैंने इसका वीडियो डाला है, ठीक है, मतलब इसके पहले आपको दिख जाएगा एकदम फास्ट फॉरवर्ड वाली क्लिप में। अभी हमारे पास 48 एमरल्ड्स हो चुके हैं, ठीक है, देखते हैं इससे जो भी होगा। देखो मुझे जहाँ तक पता है, ठीक है, इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ट्राई करते हैं। और हाँ भाई, मैं एक चीज़ तो आपको दिखाना भूल ही गया भाई, ये देखो, ये हमारा एक्सपी फार्म है, ठीक है। मतलब पुराना एक्सपी फार्म कितना था, बस ये छोटा सा था, ठीक है, इतना सा। और यस, फिर जो रुद्र और नील, ठीक है, इन दोनों ने सोचा भाई क्यों ना इसकी स्टोरेज एक्सटेंड की जाए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ चार ही चेस्ट थी, दो डबल वाली। तो इन लोगों ने कुछ हक दिया, ठीक है, नीचे कुछ डबल चेस्ट कर दी, लेकिन वो ऐसा हो रहा था कि भाई तुम नीचे जाओ ना, तो क्रीपर फट जा रहा था। तो यस, इन लोगों ने पूरा बिगाड़ दिया, फिर मुझे दूसरा बनाना पड़ा भाई। ये देखो, यहाँ पे जैसे मैं इनको मारूंगा, ये सारा सामान ना यहाँ से आएगा, देख लेना। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ भाई, सिस्टम पूरी एकदम मस्त सा है। यहाँ से नीचे जाने का, यहाँ पे कॉशन लिखा है, यहाँ पे आयरन डोर हमारा, यहाँ से सारा सामान नीचे आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने इसको एक ऑब्जर्वर से कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे हमारी एक रेस्टोरेंट क्लॉक है, ठीक है, ये हमारे ऑब्जर्वर को बार बार एक्टिवेट करते है, ये सामान अपना थ्रो करता है, ठीक है। यहाँ पे पानी है, पानी इसको सामान को यहाँ पे ले जाता है। फिर यहाँ पे सोल सैंड वाली, सोल सैंड जो भी हो, ठीक है, उसकी लिफ्ट है जो कि सामान को ऊपर फेंकती है, ठीक है। फिर जो सामान ऊपर आता है ना, वो यहाँ से टकरा के इस पानी से यहाँ पे आ जाता है, और वो इस पानी में आके यहाँ पे आ जाता है, फिर ये वाला पानी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, देखो इस तरीके से। छोड़ो छोड़ो, ठीक है। अभी भाई हमें सबसे पहले तो अपने आर्मर को डिसएन्चांट करना है। चार मेंढक की बुक लूंगा ना, उसी में मेरे सारे एमरल्ड चले जाएंगे, सिर्फ 8 एमरल्ड बचने वाले फिर मेरे पे। वीडियो चालू सेट लॉन्ग करना आप उस वाले। ओह थैंक यू। मैंने ना यहाँ पे कहीं पे लेदर डाला था, ये रहा। अभी हमें चाहिए शुगर कैन, ठीक है, ओ मिल गई प्रोट 4। प्रोट 4 अनब्रेकिंग 3 पहले से ही है इसमें, वाव मजा आ गया। अब इसमें बस थॉर्न्स डालने हैं, थॉर्न्स नहीं मेंडिंग डालनी है, ठीक है। रुको भाई, ये लेके कहाँ जा रहा हूँ, अभी सारी चीज़ अभी एक साथ यहाँ पे कर ही देते, ठीक है। ओए इसमें भी पहले से अनब्रेकिंग 3। अरे यार, सबसे पहले मुझे ये करना था। पर भाई बहुत ज़्यादा एक्सपी लेके आया हूँ मैं, ये और ये अनब्रेकिंग 3 ब्लास्ट प्रोट क्यू दिया, रेस्पिरेशन 3। वैसे रुको, अगर मैं इसमें प्रोट 4 डाल दूँ ना तो भी तो चल जाएगा। रुको, अगर इसमें प्रोट 4 मिलता हो तो। ओके भाई, फाइनल इसमें मैंडिंग लग चुकी है, ठीक है। अब मैं फटाफट से काम करता हूँ, थोड़े बहुत एक्सपी ट्रेड कर लेता हूँ भाई, एक्सपी तो क्या ही है, ठीक है। क्रीपर फटा, आराम खोरने सारी ये निकाल दी भाई। अपना ये ना आर्मर पूरा हील होने आया ही है, बस थोड़ा सा कम है। वाओ, पूरा आर्मर हील हो चुका है अपना। तो अभी मैं एक्सपी लेकर यहाँ से निकल लेता हूँ। तो गाइस, अभी मैंने पियर्सिंग वाली बुक ली, ठीक है, उससे मुझे डेप्थ चार्जर से मिल गया, मतलब चलो ठीक है, मिल तो गया। बस अपने अपना आर्मर पूरा हो चुका है, आ गया वो, ये रहा। तो आई थिंक चप्पल में लगता है ना, वे तो रेस्पिरेशन 3 चाहिए था, अबे पागल हूँ मैं। ओके तो गाइस, ये देखो भाई, मुझे नॉकबैक 2 के साथ अभी रेस्पिरेशन 3 मिली है, ठीक है। चलो ठीक है, 10 लेवल लेकिन हो तो गया। सो गाइस, फाइनली गाइस देखो, हम लोगों ने अपना ये ओपी आर्मर
अरे यार इसमें अनब्रेकिंग तो अरे मैं रुक यार अनब्रेकिंग लेके आता हूँ। एक अनब्रेकिंग मैंने यहाँ से ले ली और यहाँ पैनल था वो टूट गया, मुझे वापस जाना पड़ेगा। ठीक है बस भाई हमारे ना ये चेस्ट प्लेट में एक अनब्रेकिंग कम पड़ रहा है और वो हो गया। लो फाइनली हमारा ये पूरा ओपी आर्मर तैयार हो चुका है। ठीक है इसमें बस कम पड़ रहा है तो थॉर्न्स और तो कुछ नहीं। सो यस गाइस अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है मिलते हैं आपका नेक्स्ट अमेजिंग वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।